यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 बेहतरीन शेयर जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और अगर आपके पास ये शेयर है तो निश्चित रूप से आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग शेयर है और लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेहतरीन रिटर्न देगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, कभी भी आपको किसी से उधार लेकर के, किसी से कर्ज लेकर और लोन लेकर के कभी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, जो कि आगे चलकर के आपको बहुत ही परेशानी उत्पन्न कर सकता है। तो जो पहला शेयर है हमारा वो है ट्रेंट लिमिटेड। ट्रेंट काफी बेहतरीन रिटेल बिजनेस है। अगर बात करें रिटेल सेक्टर का, रिटेल सेक्टर में एवेन्यू सुपरमार्ट जिसको हम डीमार्ट के नाम से जानते हैं वो भी है, लेकिन दोनों के मार्केट कैप में काफी फर्क है। एवेन्यू सुपरमार्ट का जहां मार्केट कैप 2,55,000 करोड़ का है, वहीं इसका मात्र 35,000 का है। तो अभी देखिए मार्केट कैप काफी डिफरेंट है, तो साथ साथ यहाँ पर बिजनेस भी काफी डिफरेंट है दोनों का। तो जब हम एक सिंगल शेयर का रिव्यू करते हैं तो हम आपको डिटेल में बिजनेस रिव्यू करते हैं, मतलब कंपनी किस रूप से बिजनेस करती है, कंपनी किस तरह से अपना बिजनेस करती है और बिजनेस मॉडल क्या है कंपनी का। तो यहाँ वो बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 35,000, साथ साथ डिविडेंड यील्ड भी काफी कम है 0.06%। और यहाँ पर बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में 6% है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2% है। अगर कोई सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करे तो बोलेगा इस स्टॉक में आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन दोस्तों बता दे ये स्टॉक इतना बेहतरीन है, कब है, टेक्निकल चार्ट पे देखने से, ये स्टॉक इतना सॉलिड है जिसमें आपको निश्चित रूप से इन्वेस्ट करना चाहिए। यहाँ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों को छोड़ दीजिए। अब इस नेगेटिव रिटर्न ऑन इक्विटी का कारण क्या है, तो कंपनी यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर 21 है इसमें प्रॉफिट नेगेटिव है। ओवरऑल देखिए कंपनी प्रॉफिटेबल थी और साथ ही साथ टाटा ग्रुप की कंपनी थी। देखिए ब्रांड वैल्यू भी काफी मायने रखता है, तो ये टाटा ग्रुप की कंपनी है, इसीलिए आपको चार्ट पे दिखाएंगे कि प्रॉफिट नेगेटिव होने के बावजूद शेयर प्राइस में कोई गिरावट नहीं है, कोई करेक्शन भी नहीं है। वहीं बात करें प्रमोटर्स होल्डिंग का 37% मात्र है, 40% जो हमारा क्राइटेरिया उससे भी नीचे है, लेकिन टाटा ग्रुप की कंपनी होने के कारण इन्वेस्टर का विश्वास काफी ज्यादा रहता है टाटा ग्रुप के साथ। उसके बाद प्लीज परसेंटेज की बात करें 0% है और डेट इक्विटी की बात करें 0.13 है, तो काफी कम डेट इक्विटी है और टोटल डेट 300 करोड़ का है और रिजर्व की बात करें 2,277 करोड़ का है, अच्छा खासा रिजर्व है कंपनी के पास। तो जो जितना डेट है उसे कई गुना रिजर्व है, कंपनी आसानी से अपना डेट पे कर सकती है। प्रॉफिट सिर्फ इस ईयर नेगेटिव रहा, इस फाइनेंशियल ईयर ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट हमेशा अच्छा रहा है और काफी प्रॉफिट जंप भी किया था। बात करें कैश फ्लो का, कंपनी का कैश फ्लो भी देख सकते हैं कि पिछले 5 सालों से लगातार पॉजिटिव रहा था और कैश फ्लो इंक्रीज भी हुआ था। प्रमोटर्स का स्टेक की बात करें, प्रमोटर्स स्टेक लगातार यहां पर बढ़ा है फाइनेंशियल 20 में। अब देखिए ये तो था फंडामेंटल पैरामीटर्स, अब दिखाते हैं आपको टेक्निकल चार्ट। देखिए चार्ट पे जो 2020 मार्च का गिरावट था, मात्र ये 400 से नीचे का स्टॉक था और अभी देखिए 1000 से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो कितना सॉलिड स्टॉक है, रिटेल सेक्टर का स्टॉक है। और यहाँ पर देखिए लॉन्ग टर्म में चार्ट दिखाते हैं, लगातार चार्ट अप ट्रेंड रहा है, चार्ट पे ये स्टॉक काफी सॉलिड है। तो चार्ट इतना सॉलिड है जिसको देख करके आप कभी भी गिरावट में इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी गिरावट मिले, थोड़ा सा स्टॉक वोलेटाइल भी है चार्ट पे, तो जब भी गिरावट मिलता है तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, लॉन्ग टर्म में काफी बेहतरीन रिटर्न आपको ये स्टॉक देगा। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है इस वीडियो का वो है इंडिया एनर्जी एक्सचेंज। काफी बेहतरीन ये कंपनी है और काफी बेहतरीन बिजनेस मॉडल भी है। कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को ऑनलाइन सेल करने का काम करती है और वो इलेक्ट्रिसिटी आप फिजिकल रूप में यहाँ यूज कर सकते हैं, तो कितना सॉलिड प्लेटफॉर्म, आने वाले समय में काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से सेल होने वाला है, तो काफी बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का जो वॉल्यूम में जंप है वो डबल होता हुआ दिखाई दिया है, जिसके कारण इस स्टॉक में अभी काफी जबरदस्त तेजी है। और बात करें मार्केट कैप का, 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है, डिविडेंड यील्ड 0.70 का है, डिविडेंड यील्ड भी काफी शानदार है। अब कहें यहाँ बात प्रमोटर्स होल्डिंग का, प्रमोटर्स होल्डिंग जीरो है, मतलब पूरी तरह से ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी में कोई भी प्रमोटर्स नहीं है, तो पूरी तरह से ये पब्लिक की कंपनी, हमारी और आपकी कंपनी है, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट इक्विटी 0.02 है, मतलब बिल्कुल कंपनी डेट फ्री है, मात्र 11 करोड़ का डेट है और 491 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है। और रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड 59%, रिटर्न इक्विटी 46%, काफी जबरदस्त है।
और प्रॉफिट की बात करें तो देखिए प्रॉफिट ग्रोथ लगातार हुआ है, सेल्स ग्रोथ भी हुआ है, मतलब टॉप लाइन ग्रोथ भी है, बॉटम लाइन ग्रोथ भी काफी जबरदस्त है। कैश फ्लो की बात करें, कंपनी का कैश फ्लो लगातार इंक्रीज हुआ है, मतलब कैश फ्लो पॉजिटिव भी है साथ साथ इंक्रीज भी हुआ है। अब इन्वेस्टर सेक्शन में आए तो यहाँ पर FIIs का स्टेक काफी जबरदस्त है, 36%, DIIs का स्टेक भी 25%, पब्लिक का स्टेक 37%। तो देख सकते हैं इसमें FIIs और DIIs को ही मिला दे तो काफी ज्यादा स्टेक है। और साथ ही साथ अगर हम चार्ट को देखें तो चार्ट पे स्टॉक काफी सॉलिड है। देखिए चार्ट पे यहाँ पर जबरदस्त ये ब्रेकआउट हुआ है और इस स्टॉक को मैंने पहले भी रिकमेंड किया था, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है और स्टॉक में काफी जबरदस्त तेजी है। कोई भी स्टॉक जिसमें ब्रेकआउट हुआ हो और वो स्टॉक फंडामेंटली काफी सॉलिड हो और साथ ही साथ कंपनी का जो रिजल्ट है वो फेवर में आया हो, तो यहाँ पर रिजल्ट जो है काफी सॉलिड आया है जिसके कारण स्टॉक में काफी जबरदस्त तेजी है ब्रेकआउट के बाद। और स्टॉक पैंडेमिक में गिरावट मात्र 121 रुपीज में मिला था और अभी ये 600 रुपीज पे जा चुका है। ये स्टॉक जब भी गिरावट में मिले जरूर बाय कीजिए, मैंने भी आज इसमें बाय किया छोटी सी क्वांटिटी, और कभी गिरावट मिलता है तो फिर बाय करेंगे इस स्टॉक में। अगला स्टॉक है डिवीज लेबोरेटरीज। डिवीज लेबोरेटरी काफी बेहतरीन स्टॉक, मार्केट कैप की बात करें 1,38,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और बात करें डिविडेंड यील्ड का तो देखिए डिविडेंड यील्ड काफी कम है 0.38% का, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32, रिटर्न ऑन इक्विटी 23, और बात करें प्रमोटर होल्डिंग 52%, कोई भी शेयर प्लेस नहीं है। और बात करें कंपनी के ऊपर डेट का तो यहाँ पर देखिए डेट जो है कंपनी के ऊपर मात्र 5 करोड़ का, मतलब यहीं पर दिखा दिया कि डेट इक्विटी 0 है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई डेट है ही नहीं। इतनी बड़ी कंपनी, ब्लू चिप कंपनी, मात्र 5 करोड़ का डेट, 9000 करोड़ का रिजर्व, ये कंपनी अपना 5 करोड़ का डेट कभी भी पे कर सकती है। साथ साथ नेट प्रॉफिट 2000 करोड़ का नेट एनुअल प्रॉफिट। और बात करें प्रॉफिट ग्रोथ का तो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो काफी बेहतरीन है, यहाँ पर मात्र 340 करोड़ था 2010 में और बढ़कर के 2000 करोड़ हो चुका है ट्रेलिंग 12 मंथ में। और यहाँ सेल्स ग्रोथ भी काफी जबरदस्त है, मात्र 942 करोड़ का 2010 में और यहां पर बढ़कर के हो गया 7000 करोड़ का आसपास। तो टॉप लाइन बॉटम लाइन दोनों ग्रोथ जबरदस्त है और कंपनी हमेशा कैश फ्लो जनरेट किया है अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से और कैश फ्लो हमेशा इंक्रीज भी हुआ है। और साथ ही साथ बात करें इन्वेस्टर का तो यहाँ प्रमोटर्स का स्टेक जो है 52% है और लगभग कांस्टेंट बना हुआ है, थोड़ा सा पॉइंट पे डिक्रीज है तो कोई खास फर्क नहीं है क्योंकि कंपनी काफी बड़ी है और प्रमोटर स्टेक भी स्टेबल रहा है। और चार्ट पे तो चार्ट तो काफी सॉलिड है। देखिए चार्ट देखना जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आप जो है स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा, मतलब यहाँ पर रुपया बनाने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगा। तो चार्ट पर देखिए स्टॉक काफी सॉलिड है, यहाँ गिरावट आया था 2017 में, 2020 के पैंडेमिक में कोई खास गिरावट नहीं आया, स्टॉक जो है लगातार अपट्रेंड में था और अपट्रेंड में बना रहा। ये स्टॉक कभी भी गिरावट में मौका देता है तो जरूर इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि 2017 के बाद इस स्टॉक में कभी भी गिरावट नहीं आया। पैंडेमिक में भी इस स्टॉक में कुछ खास गिरावट नहीं आया, थोड़ा सा करेक्शन आया कि स्टॉक 2200 पर था तो वहां से गिर करके मात्र 1600 पर आया, जबकि कई सारे स्टॉक काफी ज्यादा क्रैश हो चुके थे। तो ऐसे बेहतरीन स्टॉक जब भी गिरावट में मौका दे तो जरूर इन्वेस्ट कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, निश्चित रूप से आपका काफी अच्छा रिटर्न यहां से प्राप्त होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहा होगा क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको 3 बेहतरीन स्टॉक्स बताए जो कि लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छा रिटर्न क्रिएट करके देगा स्टॉक मार्केट से। और जब भी मार्केट में गिरावट आता है, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट में जब गिरावट आए उसी समय आपको इन्वेस्ट करना है, अदरवाइज इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा बचें। और ऐसे ही एजुकेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।